नमस्कार दोस्तों, आयुर्ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। काली गर्दन को ऐसे करे साफ, तुरंत ही दिखेगा असर। अगर गर्दन काली हो तो चेहरे की सुंदरता पर काफी फर्क पड़ने लगता है। कई लोग रोज नहाते वक्त अपनी गर्दन को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता है और गर्दन लाल हो जाती है। आज हम आपको बेहद सरल उपाय बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी काली गर्दन को साफ कर सकती है। ये सामग्री आपको आसानी से घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन जो है जिसमें आप उपयोग ले सकते हैं वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा गर्दन पर पड़ी काली परत को साफ करने में काफ़ी असरदार होता है। आपको एक चम्मच पानी के साथ दो चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर अपनी गर्दन पर लगाना होगा, फिर इसे सूखने दें और साधारण पानी से धो लें। इस विधि को हफ्ते में दो बार करें और फिट रिजल्ट आप देख सकते हैं। दूसरा उपयोग जो है वो है आलू का रस। पुराने समय से ही त्वचा का रंग हल्का करने के लिए आलू का प्रयोग किया जा रहा है। आप कच्चे आलू को घिस कर सीधे गर्दन पर लगा सकते हैं, या फिर घिसे आलू का रस और नींबू का रस एक साथ मिक्स करके गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट के बाद अपने ठंडे पानी से गर्दन को धो लें। इससे जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और ये जो काली गर्दन होगी वो साफ होती नजर आएगी। थर्ड जो उपयोग में ले सकते हैं वो है आपका कुदरती एलोवेरा। एलोवेरा त्वचा को तुरंत ठीक कर उसमें उत्तम रिजल्ट देता है। इसको लगाने के लिए एलोवेरा का रस लें और उसे गर्दन पर लगाएं। 20 से 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें, फिर इसे नॉर्मल पानी से धो लें। इस विधि को रोजाना करें और आप जल्द ही फिट रिजल्ट देख पाएंगे। तो दोस्तों, आप इन तीन नुस्खों का इस्तेमाल करके आप काली गर्दन को साफ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये आयुर्ज्ञान YouTube चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें हम बड़ी बड़ी समस्याओं का छोटे छोटे नुस्खों में इलाज करते हैं। धन्यवाद।